सो हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे सही लोग। मैं सर तो परस गए फ्री फायर के कॉर्नर वीडियो में, और भाई ये वाला वीडियो होने वाला बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें मेरा हाईएस्ट किल होता है। ठीक है, अभी तक का सबसे मेरा फ्री फायर का सबसे ज़्यादा जर्नी का हाईएस्ट किल होता है, और ये हाईएस्ट किल होने का ही था, क्योंकि अभी जो है लाइव का सिस्टम आ गया कि अगर आपका टीममेट मर गया तो आप उसको क्या कहते हैं जिंदा कर सकते हो, तो उसी कारण से मेरा जो है लाइव बहुत ज़्यादा किल होता है। तो सब बाद में, अभी हम लोग भीमा से स्ट्रिप उतरते हैं, और यहाँ पर मेरे को एक गन मिलती है, और गन मिलती के साथ बंदा, और देखो नॉक और ये फिनिश, और यहाँ पे बहुत सारा बंदा उतरा हुआ था। ठीक है, और हम खेल रहे थे सोलो वी डुओ, सॉरी डुओ वी सोलो। ठीक है, और ये मेरा, और यहाँ पे बस हम से पोस्ट सिर्फ एक ही कारण से मेरा इतना हाई किल होता है, बिकॉज ऑफ दैट लाइव सिस्टम। और हम तो बहुत ज़्यादा लेट वीडियो डाल रहे, नहीं तो बहुत पहले ही आ चुका था। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे बंदे उतरे हुए थे बट सब छुपे हुए थे, तो चलो फिर सबको ढूंढ के मारते हैं। और क्या, हम यहाँ से जो है गाड़ी लेके जा रहे थे, तभी मेरे को पीछे से फायर आता है, बट वो वाला बंदा निकल जाता है, बट उसके बजाय मेरे को ये वाला बंदा मिलता है। ठीक है, देखो इसको फिर क्या हाल होता है। ये वाला बंदा जो है ऊपर एक टीम था, उससे बच के भाग रहा था, बट मैं नीचे था तो इसका मरना तो तय था, तो मेरे हाथों मर गया, और वो वाला टीममेट कहीं नहीं मिलता है, तो फिर हम यहाँ से डायरेक्ट पीक चले जाते, तो देखो फिर वहाँ क्या होता है। तो बहुत ढूंढने के बाद नहीं मिलता है, तो फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं पीक पे, और यहाँ पे आते के साथ देखो वो जो वाइट वाला है ना, इसी में लाइव मतलब यहाँ पे अगर आप रहोगे कुछ देर के लिए तो यहाँ पे आपका टीममेट रिवाइव हो जाएगा। और यहाँ पे हम घर के अंदर घुसते हैं, तभी मेरे को पीछे से फायर आता है, और हम तुरंत अंदर भागते हैं कि भाई क्या हुआ। तो अच्छा हुआ बंदे का निशाना चूक गया, नहीं तो फिर नॉक और फिनिश, तो वही बंदे का निशाना चुप गया, नहीं तो मर जाता। और जब भी आप मारते हो बंदे को तो अपना क्रॉस हेयर जो है वो हेड पे रखो, नहीं अगर हेड पे तो उसको धीरे धीरे ऊपर करो। ठीक है, तो क्या होगा कि बंदे को हेड लगेगा, जैसे मेरा यहाँ पे हेड लगा था। ठीक है ना, तो चलो फिर नेक्स्ट बंदे पे। तो मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे डब्बे गिरे हुए थे बगल में, तो उससे मैं लूट कर रहा था, तभी सामने से बंदा का फायर आता है, और मेरे को अभी भी बंदा नहीं दिख रहा था, मैं अंधा फायर किया। ठीक है ना, और अभी तक मेरे को बंदा नहीं दिख रहा, फिर अभी मेरे को यहाँ पे बंदा दिखता है बगल से जाते हुए, तो मैं फायर करता हूँ वहाँ पे, देखो बट फिर वो चूक जाता है। और मेन देखो यहाँ पे उसका ओवर कॉन्फिडेंस था, कि जब जानता है कि बंदा कवर में और उसको आते आते मेरा हील हो जाएगा, बट फिर भी वो रश मारता है। देखो उसका नतीजा क्या होता है, जब जान रहा है कि आते आते मेरे को मेरा हील हो जाएगा, और बंद देखो यहाँ पे मेरे को डैमेज पड़ रहा, बट अभी इसको इग्नोर करता हूँ और मैं जाता हूँ कवर में। तो वही कि अब जब वो जान रहा था कि बंदा कवर में है और उसका आते आते हील हो जाएगा, फिर भी उसने रश किया, जो कि गलत बात। और ये देखो अपना टीममेट को बचा रहा था यहाँ पे, और इस सिचुएशन में तो एकदम आपको क्या कहते हैं नहीं क्या कहते हैं दूसरे पर रश करना चाहिए, आराम से आपको गैम करना चाहिए, तो वो और रश करके मार रहा था, तो भूख तो फिर और क्या। उसके फिर मैंने आपको कुछ इग्नोर करने के लिए बोला था, तो वो वाला बंदा को मैं जाता हूँ बाहर ढूंढने के लिए, और जब मेरे को ये देखो वो बंदा रहता है, और फिर उसको मैं देखता हूँ, और देखो फिर ये बंदा को मैं पहले नहीं देखता हूँ, जब बस मेरे को इतना पता चलता है कि मेरे को कहीं से डैमेज पड़ा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अंदर जाता हूँ, क्योंकि मेरा हील बहुत कम था। उसके फिर मैं जब बाहर आता हूँ बंदे को मारने के लिए, फिर भी मेरे को नहीं पता रहता, बट फिर एक बार फिर मेरे को डैमेज आता है, उसमें मेरे को पता चलता है, फिर मैं इसको मारता हूँ। और इतना होता ही है कि मैं सामने से फिर नीचे से मतलब पीक के पीछे से बंदा का फायर आता, और एक टीम एक बंदे को फिर से मार रहा था, भगा रहा था, तो वो वाला टीम ऊपर, वो वाला जो बंदा ये रहता है ये ऊपर आता है। ठीक है, और इसका जो मरना रहता है वो मेरे यहाँ तो लिखवा रहता है, वो कैसे, तो देखो ये बंदा दो बार बचता है, एक बार वहाँ बच गया और एक बार अभी यहाँ बचता है, बट फिर पता नहीं इस बंदे को क्या होता है, ये लकड़ी से इधर आ रहा था, अब कैसे आता है पता नहीं। और देखो जो इसको भगा रहा था वो ये रहा, ये और इसका एक और टीममेट रहता है, इसका एक और टीममेट रहता है, इसको मैं नॉक करता हूँ, जैसे फिनिश करता हूँ तभी पीछे से इसका टीममेट मेरे को डैमेज देता है, और गलती से 94 का हेड लगा, और उसने मेरे को अच्छा खासा डैमेज दिया, बट 94 का हेड लगा तो मैं थोड़ा चौड़ में, उसके फिर जोन भी उसी पे था तो और मैं चौड़ में, तो इसलिए उसको फिनिश हो गया वो। और अभी मैं यहाँ से फिर बाइक लेके चला जाता हूँ क्या कहते हैं फैक्ट्री पे, और देखो फिर वहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, और दूर ही से मेरे को एक बंदा दिखता है यहाँ पे, तो मेरे को लगा था कि एक बंदा है चलो, और फायर का आवाज़ भी आता तो इसको मैं ठोक के आराम से मार लूँ, बट इसको जैसे ही मैं ठोका, मतलब इसको मैंने जैसे ही ठोका वैसे इसका टीममेट और ये लोग मतलब
ये और इसका टीममेट और एक और टीम जो था वो दोनों आपस में लड़ाई कर रहा था और मैं बीच में कूद गया था, सबका निशाना मैं ही बन गया। तो अचानक से एकदम इधर उधर सब जगह से मेरे को डैमेज पड़ता है, तो मैं बोला कि नहीं नहीं ये राइट टाइम नहीं है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सोचता हूँ यहाँ से कुछ तो एंगल बनेगा। बट फिर मैं सोचा कि नहीं भाई, ए के अपने पास इसका कुछ नहीं हो सकता। तो क्योंकि ए के में क्या है कि अगर आप क्या कहते हैं उसका बहुत सारा गोली इधर उधर चला जाता है, इसलिए तो मैं निराश होकर नीचे कूदता हूँ, तभी मेरे को सामने बंदा दिखा देगा। देखो मतलब इसका डैमेज सही है, बट मेन इसी का दिक्कत यही हमको लगता है कि इसका गोली बहुत इधर उधर होता है, जिसके कारण वही अगर एक्सेमेट रहता तो क्या कहते अभी तक मैं मार भी देता। तो फिर मैं आता हूँ यहाँ पे लूट करने के लिए, ठीक है यहाँ पे आता हूँ लूट करने के लिए। उसके बाद फिर मैं सोचता हूँ कि भाई उसका एक टीममेट मेरे को दिख गया, तो अगर मैं वहाँ पे डैमेज दूंगा तो ऑफकोर्स उसका टीममेट जो आएगा मेरे को मारने के लिए, अगर मैं उसको मार देता हूँ तो वही मैं करता हूँ। जैसे उसको नॉक किया, और तुरंत ही फिनिश कर देता, तो मेरे को लगता है कि भाई चलो अब उसका टीममेट आएगा रश करने के लिए। लेकिन भाई उसका टीममेट इतना धीट, बहुत देर तक मैं रुकता बट उसका टीममेट आता ही नहीं है, मतलब इतना गंदा उसका टीममेट मिला हुआ था। तो मैंने बोला कि हटाओ फिर हम ही को जाना पड़ेगा, तो हम ही जाते हैं फिर वहाँ पर रश करने, और देखो उसका टीममेट क्या करता है। तो भाई हम यहाँ पर गाड़ी एक्सचेंज करने के लिए आते हैं, ये वाला यही उसका टीममेट रहता है, देखो मतलब इसका टीममेट यहीं पर उतना देर से खड़ा था कि वो आएगा मेरे पे रश करने के लिए, मतलब क्या ही अब हम बोले। तो ये यही इसका गलती था, इसको रश मार देना चाहिए था, फिर ये मरता ही, लेकिन चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला गाड़ी से देखो हम कितना किल करते लगातार, देखो ये एक को मैंने ठोका, और तीनों अलग अलग टीम से ठीक है, क्लॉक टावर पे दो, एक नॉक पड़ा हुआ है, और ये देखो चार मतलब तीन एक का किल मेरे को मिल गया, फिर एक मेरा किल जो है मेरे को यहाँ पर लगा कि मेरे को सारा किल मिल गया, बट नहीं, एक मेरा किल चुरा लेता है ठीक है कोई, और फिर उसका किल हम चुराते हैं, यहाँ पे मेरा गाड़ी डूब जाता है तो उसका किल फिर हम चुराते हैं। देखो यहाँ पे मेरे को एक किल मिला, 13 हुआ। उसके बाद फिर ये जो बंदा जिसको, ये देखो ये मेरा बंदा नहीं था, ये मतलब मेरा किल नहीं था, बट फिर भी मेरे को मिला 14 किल, फिर ये 15, और मेरा देखो एक किल कोई चुरा लेता है। तो यहाँ से फिर हम और जाते हैं बंदी की तलाश में, तभी देखो क्या होता है। तो फिर होता क्या है कि यहाँ पे क्या कहते हैं मेरा जो गाड़ी वो अटक जाता है, और तभी मेरे को पीछे से डैमेज पड़ता है, और हम देखते हैं भाई कौन मार रहा है, और तभी मेरे को बंदा दिखता है पीछे से, और यहाँ पर देखो ईंट का यहाँ पे देखो गलती, देखो मतलब भाई वहाँ पे हम हेड पे एम किया हुआ था, बट एक भी उसको हेड नहीं लगा। सोच रहे हो, यही मेरे को मेन इसमें लगता है, इसका गोली इतना इधर उधर जाता है ना, और जहाँ यहाँ पे फिर था, और मेन था इतना छोटा सर्कल था, और यहाँ पे इतना सारा बंदा था, और तभी और सारे बंदे अब जो है बाहर निकल के मारने, मतलब सब जगह सिर्फ और सिर्फ रेड इंडिकेटर गोली का आवाज था, मेरे को पीछे से डैमेज पड़ा हुआ था, पीछे से नहीं मतलब बगल से, और मेरे को एक नीचे बंदा दिखता है, और देखो और इसको मैंने फिनिश किया, और इसको भी दोनों को मैंने फिनिश किया। और भाई यहाँ पे इतने सारे बंदे हैं ना, अभी इतने सारे आपको इंडिकेटर, इतने सारे आपको फायर के साउंड, इतना कुछ अभी आप लोग को आ रहा होगा ना, क्या ही मतलब, तो हर जगह से सिर्फ बंदा ही बंदा। देखो यहाँ पे मेरे को लगा बंदा, बट नहीं, सामने यहाँ पे बंदा रहता है ठीक है, यहाँ पे फायर होता है, और देखो मैं मारता हूँ, दिखा नॉक हुआ उसके, फिर मैं जाता हूँ मारने के लिए इसके टीममेट को, और इसका टीममेट देखो उसके, फिर देखो सामने कंटेनर पे बंदा दिख रहा है, ये फिनिश, 7 बंदे हैं, 20 किल मेरा अभी तक का, मेरा हाईएस्ट किल 19 है, और देखो बगल से फायर आया, एके का फिर से गलती, ये गया एकदम टपका मेरे सामने। उसके फिर बहुत सारा यहाँ पे फायर आ रहा था, तो हम गए, देखो अभी भी आ रहा है, बहुत सारा यहाँ पे फायर आ रहा, तो हम जाते हैं डायरेक्ट वहाँ पे क्या कहते हैं मारने के लिए बंदे को। और यहाँ से हम जैसे ही अंदर घुसते, तभी मेरे को अचानक से डैमेज पड़ता है, और हम देख नहीं रहे भाई कहाँ, हम ऐसे ही फायर किसे मेरे को दिखा, अच्छा वहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो बंदा है ना, ये मेरे को मार अगर ये रश नहीं करता तो ये थोड़ा सा इंतज़ार करता ना, बिकॉज मैं एकदम ओपन से आ रहा था, तो ये मेरे को मार सकता था, बट वही है रश कर दिया तो मर गया मेरे हाथ। उसके बाद फिर हम यहाँ से हील करके बाहर निकलते हैं। अब जैसे ही यहाँ से हम हील करके बाहर निकलते हैं, देखो बंदा फिर मेरे को दिखता है सामने, दोनों, और दोनों अलग अलग टीम से फिनिश हो गया, और देखो
मतलब दोनों अलग अलग टीम से वहाँ पे क्या कर रहे थे भाई। और आखिरी का दो बंदा बचा हुआ है और देखो दोनों भगा रहा, दोनों एक दूसरे को मार रहा है। ये वाला देखो बंदा आता है भाग के और मेरे हाथों मरता है। और इसको जो टीम मार रहा था, उसको जो एक बंदा मार रहा था, वो भी मेरे ही हाथों मरता है देखो। और इसी के साथ एक इजी बोया और ये मेरा हाई सबसे ज़्यादा किल 26-26 मेरा किल हो गया। और अभी तक का मेरा हाईएस्ट किल था 19 और अभी हो गया 26। तो भाई इतना अच्छा मतलब तुम्हारे भाई ने किया। तो भाई जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलेंगे एक ऐसे ही बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे सेफ।